हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जेसिका एंड वेलकम टू जेसिकास क्लासरूम। आज हम सेकंड क्लास के सोशल स्टडीज के एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एज यू कैन सी, हमारा टॉपिक है फूड वी ईट, यानी फूड यानी खाना, वी यानी हम, ईट यानी खाना, यानी जो खाना हम खाते हैं। हम सभी को खाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कॉमन सी बात है। अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारे पेट में दर्द होगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। अगर हमें एनर्जी चाहिए यानी खेलने के लिए, काम करने के लिए ताकत चाहिए, तो हमें किसकी जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज क्या होते हैं, स्रोत, यानी हमें खाना मिलता कहाँ से है। ज्यादातर बच्चों को पता होगा हम शॉप से खाना लाते हैं, लेकिन शॉप से कहाँ से आता है, तो हम आज इसी बारे में पढ़ेंगे। हम दो जो सोर्स है वहां से जो फूड है वो पाते हैं। पहला सोर्स है प्लांट, दूसरा है एनिमल। इन दोनों सोर्स से हम क्या पाते हैं, फूड पाते हैं। यानी अगर हमें फूड चाहिए तो हम प्लांट और एनिमल से फूड ले सकते हैं। वी गेट सीरियल्स, पल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है, सीरियल्स, अनाज वगैरह मिलते हैं, दालें मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं। किससे मिलते हैं ये सब, प्लांट से मिलते हैं। अब एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है, सबसे ज्यादा हमें मिल्क, मिल्क तो सब पीते हैं, एंड मिल्क हमें किससे मिलता है, काओ से मिलता है, तो काओ क्या है, एक एनिमल है। हनी, एग्स, मीट एक्सेट्रा हमें क्या मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। चलिए अब ये दो चीजें तो हमें क्लियर हो गई कि हमें फूड कहाँ से मिलता है, जल्दी बताइए मुझे। हमें फूड मिलता है प्लांट्स यानी पौधों से, एनिमल्स यानी जानवरों से। अब प्लांट से मुझे एक फ्रूट बताइए या फिर एक ऐसी चीज बताइए जो हम प्लांट से मिलती है। वेजिटेबल्स, वेरी नाइस। नेक्स्ट हमें एनिमल्स से कोई एक चीज बताइए जो मिलती हो, मिल्क, एग। तो इस तरीके से पेरेंट्स, मैं आप लोगों से इसलिए क्वेश्चन पूछ रही हूं ताकि आप अपने बच्चों से इस तरीके से समझाते समय बीच बीच में क्वेश्चंस पुट करें, क्योंकि अगर वो सिर्फ सुनेंगे, पार्टिसिपेशन नहीं लेंगे, तो वो नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ एक लेक्चर की तरह सुनेंगे और भूल जाएंगे। तो उनका पार्टिसिपेशन कराना बहुत जरूरी है। अब दो टाइप के फूड होते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन यानी जो भी प्रोडक्ट हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर डेयरी से मिलते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आर वेजिटेरियन फूड आइटम। पीपल हु ईट वेजिटेरियन फूड आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। अब जो एनिमल्स से हमें मिलता है, जैसे कि मीट, एग, फिश, ये सारी चीजें हमें एनिमल्स से मिलती हैं, तो ये सारी चीजें क्या हुई, नॉन वेजिटेरियन हुई। और जो इनको खाते हैं वो क्या हुए, नॉन वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस, वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। चलिए नेक्स्ट इज काइंड ऑफ फूड, काइंड ऑफ फूड। चलिए यहाँ पे एक एक्टिविटी गई दी गई है ऊपर, अगर आप देख सकें तो, कि आपको वी लिखना है वेजिटेरियन के लिए, एन वी लिखना है नॉन वेजिटेरियन के लिए। तो आप बच्चों से पूछ के ये खुद कराएंगे। चलिए काइंड्स ऑफ फूड, अब कितने प्रकार के खाना होता है, तो मेनली थ्री टाइप्स के फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड। तो अब तीनों के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी गिविंग, एनर्जी क्या होती है, ताकत, ऊर्जा, है ना। तो एनर्जी गिविंग जो हमें ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं, कौन कौन से हैं, चपाती है, राइस है, घी है, बटर है, शुगर है, ये सारे हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। इनमें से सब हम रोज खाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं खाते हो। क्यों खाते हैं हम, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। सेकेंड इज बॉडी बिल्डिंग फूड, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश,
एग, पल्स, ये सारे क्या हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। ये किस लिए जरूरी होते हैं? हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए और हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। अगर आपको हाइट वगैरह बढ़ानी है तो मिल्क पीना बहुत जरूरी है। बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे बोन्स को, हमारे मसल्स को भी स्ट्रांग बनाता है। यानी अगर आपको स्ट्रांग बनना है, बड़े होके अगर आप ये सोचें कि मुझे फाइट करनी है, स्ट्रांग बनना है, तो आपको ये सब खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ये क्या प्रोटेक्टिव यानी रक्षा करना, आप हमें किस चीज से रक्षा करते हैं? ये बीमार पड़ने से। यानी अगर कोई भी ज्यादा बीमार पड़ता है तो इसका मतलब वो सब्जियां और फ्रूट्स कम खाता है, तो आपको फ्रूट्स और सब्जियां इसलिए खानी है ताकि आप बीमार ना पड़े और आप फिट रहें। फिट यानी एक तरीके से तंदुरुस्त रहें। तो हमने तीन टाइप के फ्रूट्स पढ़े यहाँ पे। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो चपाती, राइस, घी, ये सब चाहिए। अगर आपको अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है तो आपको ये खाना है, और अगर आपको बीमार नहीं पड़ना और अच्छे से फिट रहना है तो आप ये खाएंगे। चलिए, लास्ट टॉपिक है हमारी क्लास का ये अनहेल्दी फूड। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि सब बच्चे खाते हैं, अनहेल्दी फूड, जैसे कि जंक फूड, चाउमीन, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, केक, बर्गर, देख रहे हो यहाँ पे सारी। ये क्या है? अनहेल्दी। अनहेल्दी क्या होता है? जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो, जो हेल्दी ना हो। हम बहुत बार ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, क्योंकि वो हमें टेस्टी लगती है। टेस्ट लगता है। अगर मैं आपको सब्जियां खाने के लिए दे दूं और एक साइड बर्गर या फिर पिज्जा खाने के लिए दे दूं, तो आप पिज्जा और बर्गर खाएंगे क्योंकि आपको टेस्टी वो लगता है। बट अगर हम ज्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम सिक हो जाएंगे। सिक यानी बीमार पड़ जाएंगे। और अगर आपको पता है तो अगर आपको पता है कि अगर आप सिक हो गए, बीमार हो गए, तो क्या होगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बड़ा सा इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा और बहुत सारी कड़वी कड़वी दवाइयां खानी पड़ेगी। तो इस वजह से जो भी बच्चे जिद करते हैं बाहर का खाने के लिए, वो ध्यान रखें। एक बार तो आप बाहर का खा लोगे और अगर बीमार पड़ गए उस बाहर के खाने से, तो क्या होगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और इंजेक्शन और कड़वी कड़वी दवाइयां खानी पड़ेंगी। चलिए, तो आज हमने बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा फूड के बारे में। तो आज आप जो भी डिनर में खाएंगे या फिर जो भी लंच में खाएंगे, उसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रोटेक्टिव फूड है, कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड है और कौन सा एनर्जी गिविंग फूड है। तो पेरेंट्स, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि वैसे कोई एक्टिविटी कराएं ना कराएं, लेकिन जब बच्चे को खाना दें तो उसमें आप जरूर पूछें कि इसमें से जो जो तुम खा रहे हो उससे तुमको क्या मिलेगा। तो जैसे कि चपाती खा रहे हो तो उससे क्या मिलेगा आपको? बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, तभी तो खेल पाओगे और काम कर पाओगे। अगर आपने दूध दिया है साथ में तो बोल सकते हो जो दूध है या फिर दही है वो क्या मदद करेगी? आपका मसल स्ट्रांग करेगी, आपके बॉडी को स्ट्रांग करेगी। और अगर आपने सब्जियां दी गई हैं या फिर आपने सैलेड दिया है तो वो क्या करेगी? वो आपकी बॉडी को फिट रखेगी और आपको बीमार नहीं पड़ने देगी। और अगर बच्चे ये जिद करते हैं चिप्स वगैरह की, तो आप बता दीजिए कि बुक में भी लिखा था कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे और पेनफुल इंजेक्शन लगेंगे, बड़े बड़े इंजेक्शन और कड़वी कड़वी दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप बहुत फन वे में ये करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमें ये बुक वर्क दिया गया है, बहुत इजी है। और क्वेश्चन आंसर्स ट्राई कीजिए, बच्चों को पहले रफ में कराएं फिर फेयर में कराएं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और कुछ ना समझ में आओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा।